हेलो दोस्तों, मैं हूं अमर प्रेम और आप देख रहे हो दाऊ पाल साहब की वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं Redmi Note 9 पावर के बारे में और इस फोन का पावर नाम क्यों दिया गया है, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और इस फोन में आपको क्या क्या मिलने वाला है यह भी आपको पता लग जाएगा कि प्राइस के हिसाब से फोन कैसा होने वाला है और इसका प्राइस कितना हो सकता है और ये कब तक मार्केट में आ जाएगा। तो इस फोन के बारे में सब कुछ जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसी टेक्निकल वीडियो में सब बनाते रहता हूं। और अब यहां तक आई गए तो सब्सक्राइब जरूर करें। गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हर लेटेस्ट जानकारी के लिए मेरी वेबसाइट जरूर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले हम बात करेंगे फोन के डिस्प्ले के बारे में। और इस फोन में आपको मिलने वाला है 6.53 इंच का फुल HD डिस्प्ले। और इसके साथ ही जो इसका रिफ्रेश रेट होने वाला है वो है नॉर्मल, जो कि 60 Hz का होता है। अगर फिंगरप्रिंट सेंसर से आपको बहुत ज़्यादा प्यार है तो इसमें आपको मिलेगा साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर। और वहीं पे इस फोन का वेट मैं बता दूं आपको, फोन का वेट होने वाला है, थोड़ा फोन हैवी होने वाला है, फोन का वेट है 200 ग्राम, जो कि ठीक ठाक है। आजकल जो भी मार्केट में फोन आ रहे हैं वो इसी वेट के आसपास ही आ रहे हैं। वहीं इस फोन में आपको मिल जाएगा डेडिकेटेड सिम का स्लॉट। इसके साथ ही फोन के बॉक्स में आपको मिलने वाला है प्लास्टिक का केस, और जो काफी अच्छे से फिट होता है और अच्छी क्वालिटी का है। और इस फोन की प्रोटेक्शन के लिए आपको मिलेगा इसमें गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन। अगर आपका फोन 1 मीटर की ऊंचाई से गिरता है तो आपके फोन को ज्यादातर बचा लेता है, अगर आपका फोन कोनों से नहीं गिरता है तो। और टोटल मिला के इस फोन का डिजाइन काफी ठीक है और फोन देखने में काफी अच्छा लग रहा है। वहीं अगर मैं कैमरा के बारे में बात करूँ तो इसमें आपको मिलेगा ट्रिपल रियर कैमरा का स्लॉट। पहला कैमरा 48 मेगापिक्सल का और इसका अपर्चर होने वाला है f/1.8, इससे काफी अच्छे फोटो आते हैं। और वहीं पे दूसरा कैमरा है 8 मेगापिक्सल का और अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है। और जो कि तीसरा कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल और डेप्थ सेंसर होने वाला है, आपके पोर्ट्रेट वगैरह में आपको काफी हेल्प करेगा। और वहीं मैं फोन के सेल्फी कैमरा के बारे में आपको बताऊं तो इसमें आपको मिलेगा 8 मेगापिक्सल का वाटर ड्रॉप नॉच कैमरा और ये काफी ठीक है। टोटल मिला के इस फोन का कैमरा डिपार्टमेंट ना तो एकदम हाई है और ना एकदम लो है, फोन के फोटो नॉर्मल ठीक आते हैं। तो आप कैमरा के हिसाब से इस फोन को लेना चाहोगे तो बिल्कुल ले सकते हो। अगर फोन के प्रोसेसर के बारे में आपको बताऊं तो फोन में प्रोसेसर दिया गया है स्नैपड्रैगन 662 और ये काफी टेस्टेड प्रोसेसर और ये बहुत सारे फोनों में देखा गया है और ये काफी साल से आ रहा है मार्केट में। यह काफी अच्छा प्रोसेसर है। अगर आप इस पे गेम वगैरह खेलने जाओगे तो सिक्योरिटी जैसे गेम हाई सेटिंग पे खेल सकते हो, लेकिन इन्हें फ्रेम ड्रॉप आपको यहाँ पे मिलेगा। और मीडियम सेटिंग पर इसमें आप गेम एकदम काफी अच्छे से खेल पाओगे, सिक्योरिटी जैसे गेम भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। और वहीं पे मैं बता दूं ये जो चाइना में मॉडल लॉन्च हुआ है उसमें मिल रहा है अभी 4 GB रैम के साथ 128 GB इंटरनल मेमोरी। तो मे बी इंडिया में यह फोन 4 GB 64 और 4 128 के साथ आ सकता है। और वहीं पे इसके मैं सबसे मेन चीज यानी कि इसके प्राइस के बारे में बात करूं तो चाइना में इसका प्राइस होने वाला है 999 युआन, जो कि इंडिया में बनता है 11,250 के आसपास। और ये इंडिया में फोन 11,000 और 12,000 के बीच में आने वाला है, तो उस प्राइस के हिसाब से फोन ठीक है। अगर फोन के UI के बारे में आपको बताऊं तो फोन में आपको मिलने वाला है MIUI 12 और वह एंड्रॉइड 10 पर बेस्ड है। और इसके साथ ही इसमें आपको एंड्रॉइड 11 का भी अपग्रेड मिल जाएगा। अगर फोन के एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में आपको बताऊं तो फोन में आपको काफी सारे अच्छे फीचर मिलने वाले हैं, क्योंकि ये फुल HD डिस्प्ले है तो वाइड वन L1 का सपोर्ट ही मिल जाएगा। नोटिफिकेशन लाइट इसमें देखने को नहीं मिलेगी, वहीं पे वाईफाई ब्लूटूथ का तो मिल ही रहा है, वाईफाई कॉलिंग भी इसमें आपको मिल जाएगा। और वहीं पे इसमें साथ में कैमरा 2 API का फीचर के बारे में बताऊँ तो वो भी इसमें आपको मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात, इसमें आपको आयर ब्लास्टर मिल रहा है जो कि रिमोट का काम करेगा, आपके AC और TV आप अपने फ़ोन से हैंडल कर सकते हो। और इस फोन की जो सबसे अच्छी चीज़ मेरे को ये लगी, इसके स्पीकर स्टूडियो स्पीकर इसमें आपको मिलेंगे और जो कि दोनों साइड है फोन के अपर पार्ट में भी और लोअर पार्ट में भी, तो इसकी मदद से आपका जो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस होने वाला है वो काफी अच्छा होने वाला है और वॉल्यूम काफी अच्छी है इस फोन की। अब हम बात करते हैं फोन की बैटरी के बारे में और इसका पावर नाम क्यों दिया गया है। पावर इसलिए दिया गया है क्योंकि इस फोन में आपको मिलेगी 6000 mAh की बैटरी, लेकिन जो चार्जर का यहाँ पे एक पंगा सा लग रहा है वो ये है कि यहाँ पे आपको चार्जर दिया गया है 22.5 वाट का, लेकिन फोन सपोर्ट करता है 18 वाट का। तो पता नहीं कंपनी ने ये चार्जर 4.5 बढ़ा के क्यों दिया, 18 वोट का भी दे सकते थे, शायद में मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो सकती है, जो भी है। लेकिन सच बात यही है कि 18 वोट तक की चार्जिंग को सपोर्ट करता है फोन, और चाहे बॉक्स में 30 वोट का ही क्यों ना देने, 18 वोट तक की आप इसको यूज कर पाओगे तो ठीक है, जैसा भी दे दिया गया और वहीं पर ठीक है। और इस फोन में आपको USB-C टाइप का पोर्ट मिल जाएगा और 3.5 mm का हेडफोन जैक भी इसमें देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल मैं फोन के बारे में बताऊँ तो इसका कैमरा डिपार्टमेंट एवरेज है, वहीं पे इसकी जो प्रोसेसिंग है वो काफी ठीक होने वाले, गेमिंग वगैरह आप इसको अच्छे से लेके खेल सकते हो। और वहीं पे जो इसकी परफॉर्मेंस होने वाले प्रोसेसर की मदद से नॉर्मल डेली यूज में काफी अच्छी रहेगी, अगर नॉर्मल डेली यूज के लिए आप लोगे तो आपकी प्रोसेसिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और वहीं पे जो बैटरी फोन में 6000 mAh दी गई है, तो इसकी मदद से आप अपने फोन को 1.5 या 2 दिन तक आराम से कैरी कर सकते हो बिना चार्ज किए। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और आप यहाँ तक आई गए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और एक कमेंट भी जरूर करें, और आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो।